अभी इसे पूरा किसी से पूछिएगा इंडिया में, कोई नागराज घोड़ा को बता देगा। आप यूट्यूब पर भी चेक करिएगा तो आप घोड़ा नागराज को बता देगा। लेवल का घोड़ा चलने वाला है। अच्छा, इतना ज्यादा आपके लिए लकी घोड़ा है, बेच कह रहे हैं। सोनपुर मेला में जो घोड़े के बाजार जो लगा हुआ है उसमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पे एक घोड़ा है जो कि सुबह में हमें जैसे जानकारी मिली कि सुबह में उसने रेस जीता है, उनके मालिक से हम बातें करते हैं घोड़े की खासियत क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम मन्नू सिंह है, हमारा जिला का रहने वाला है, बगवा का। अच्छा। मेरा होटल है, लाइन होटल है, सतनाम होटल। हम वहीं से आए हैं और मेरा घोड़ा का नाम नागराज है, उम्र इसका 5.5 साल का है। घोड़ा जवान है, सवार मेरे रंजीत जी हैं। अच्छा। जो महुआ का रहने वाले हैं, समझ गए। और देखिए रहे घोड़ा को, अभी तो सुबह मॉर्निंग में अथी हुआ है, खुला था, फिर कल खुलेगा मॉर्निंग में। अच्छा। आप आके वीडियो बना सकते हैं। अच्छा। उसको देख सकते हैं। अच्छा। समझ गए। जैसे कि हमें जानकारी मिला कि सुबह इसने रेस किया था इस घोड़े ने। हाँ हाँ, रेस तो रोज का प्रैक्टिस होता है ना। हाँ हाँ, तो रोज मॉर्निंग होता है, सब घोड़े खुलते हैं, उसमें भी ये घोड़ा खुला था। अच्छा। तो खोल करके अपना हल्ला करके अपना बांधा हुआ है। अच्छा, जैसे कि बांधा हुआ है फिर भी वो ऐसा मतलब लग रहा है कि दौड़ने के लिए अग्रेसिव है थोड़ा। अच्छा। हाँ। अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं है, घोड़ा तो भगड़ा है। अच्छा। खुलने के बाद पता चलता है कि घोड़ा घोड़ा है। इसका नाम नागराज है तो नाग ही राज है। अच्छा। हाँ जी, कीमत क्या है इस घोड़े की? कीमत घोड़ा की कीमत 11 लाख है। 11 लाख? हाँ जी। अभी हमको कोई 9 लाख बताया, 11 लाख। हाँ जी। और वो तो आदमी जानता है, बंदा है, अपना काम कर रहा है, उसको क्या नॉलेज है कि क्या किसको कीमत होता है। इसका कीमत 11 लाख रुपया है। क्या खास बात है इस घोड़े में कि 11 लाख कीमत रखे? इसका स्पीड अच्छा है, स्पीड 40-42 घोड़ा चलता है। अच्छा। मैंने देखने के बाद, आप जब देखेंगे वीडियो बनाएंगे तब आपको पता चलेगा घोड़ा में खासियत क्या है। अच्छा। ऐसे तो मैंने घोड़ा तो सभी बांधे हुए हैं, ये भी घोड़ा बांधा हुआ है, यही बात है। कितना हाइट होगा इसे? अभी इसे पूरा किसी से पूछिएगा इंडिया में, कोई नागराज घोड़ा को बता देगा। आप यूट्यूब पर भी चेक करिएगा तो आप घोड़ा नागराज को बता देगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। कितना इसका हाइट कितना? इसका 60 इंच, 59-60 इंच है हाइट। 59-60 इंच, 6 फीट के बराबर। 6 फीट के बराबर। अच्छा, जैसे कि 5 फीट का, 6 फीट नहीं हुआ, 5 फीट का वो, 6 फीट हाइट हमारा है। अच्छा अच्छा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा घोड़ा आया हुआ है, और जैसे कि कुछ घोड़े काले रंग के ही हैं लेकिन उनकी कीमत 80,000 है, लेकिन अगर सभी घोड़ा, हर किस्म का घोड़ा अलग अलग है। अपना कोई बर बरात करने वाला है, कोई रेस लड़ने वाला। अच्छा। है यहाँ जो भी घोड़ा आया होगा उसमें 10-20 घोड़ा रेस लड़ने वाला होगा। अच्छा। और नहीं तो किसी का बग्गी में चलने वाला है, किसी को शो में ऐसी रखा। अच्छा, हुआ अच्छा, है। अच्छा। इसी कारण से जिसका जैसा अपना रहा वैसा घोड़ा का दाम मांग रहा, मतलब लड़ाकू घोड़ा ही। हाँ हाँ, ये रेस लड़ने वाला घोड़ा। जैसे कि पहले के जमाने में तो कैवलरी होती थी घोड़े की, लेकिन अब क्या उस तरीके का बिक्री है घोड़ा का? नहीं नहीं, बिक्री तो है, बिक्री तो है, तभी तो चल रहा है। हाँ। अगर बिक्री नहीं होता तो कोई एक दूसरे को, कभी हम मान लीजिए आज हम बेच देंगे। हाँ। फिर किसी का और दूसरे का खरीदेंगे। हाँ। इस तरह से खरीद बिक्री होता है, मनोरंजन मेला है, मनोरंजन। हाँ। है इसको किसी को पसंद पड़ गया, ज्यादा दिन रख लिया, 1-2 साल रख लिया, मेरा मन भर गया। हाँ। किसी और को दे दिए। अच्छा। किसी और से हम फिर खरीद लिए। यही होता है, घोड़ा का शौक होता है। अच्छा। घोड़ा का शौक से न कीमत से नहीं होता है, घोड़ा का शौक होता है। हाँ, जिसके पास शौक है वो कितना का भी घोड़ा ले लेगा, कितना में भी बेच देगा, उसका मन भर जाएगा तो कितना में भी बेच देगा, कितना में भी खरीद लेगा। 2 साल बाद मेला वापस आया, कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश है। अरे 2-3 साल से कोरोना के टाइम से लगा नहीं। अभी बलिया जिला में भी बलिया लगता था मेला, वो भी नहीं लगा है। सोनपुर मैंने, अरे क्या होता है घोड़ा रखने का मतलब होता है कि ये घोड़ा का हाट लगता है शौक करने के लिए, पिकनिक करने के लिए आते हैं आदमी, सभी लोग अपना खरीद बिक्री भी हो जाता है, एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाता है। जिस घोड़ा का लगाव सभी पूरा बिहार में एक दूसरे से है, कहीं पर जाता है घर किसी मिलने के लिए जाइएगा, नहीं जाइएगा, मगर मेला में सबसे भेंट हो जाता है। अच्छा। हाँ, यही कारण है कि घोड़ा का हाट अपना चलता है, सब लोग अपना मौज मस्ती कर लेते हैं। घोड़े का चालक कौन है इनका? घोड़े का चालक रंजीत जी हैं। रंजीत जी? ये रंजीत जी जो ये नागराज घोड़ा है उनके चालक हैं। कितने साल से घोड़े? अभी 2 साल से इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। 2-3 जगह इससे विजेता हुए हैं। अच्छा। और ये भारत लेवल का घोड़ा चलने वाला है। अच्छा। ये पंजाब से यहाँ तक बहुत सा अभी तक प्राइज लिया है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ रेस जीता है घोड़ा? ये घोड़ा यूपी में जीता और बिहार में जीता और पंजाब में 10-20 रेस जीता है। अच्छा, ये वाला। हाँ। पंजाब में मतलब रेस ही हमेशा जीतता है। हाँ, यही लेकर के हम लोग 11 लाख पर लाए थे इसको। अच्छा, 11 लाख पे।
इतना ज्यादा आपके लिए लकी घोड़ा है, बेच क्या रहे हैं? कहाँ बेच रहे हैं इसको? अच्छा, ये प्रदर्शनी में लाए? प्रदर्शनी में आया है, हो सकता है कि यहाँ पे डीएम साहब रेस करवाएंगे। अच्छा, दो साल हुआ था। हाँ, तो फिर उसमें डालेंगे, रेस में लड़ेंगे। अच्छा, मतलब बिक्री का नहीं है, रेस लड़ने के लिए। अच्छा, रेस लड़ने के लिए। क्या है, लोग देखेंगे, अपना परिचित के लोग हैं वो देख रहे हैं, घोड़ा चलता है। बिहार में भी कई रेसे मारा है और पंजाब में भी मारा है, राजस्थान में भी गया है, मतलब बहुत अच्छे हिसाब से घोड़ा स्टार्ट। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे रेस भी, जो यहाँ के डीएम हैं वो यहाँ पे रेस का भी आयोजन होता है, घोड़े का रेस का भी आयोजन होता है। तो ये घोड़ा जो नागराज है वो प्रदर्शनी को लेकर के आया है, इसकी कीमत 11 लाख रुपए रखी गई है, लेकिन ये घोड़ा जो है वो रेस में दौड़ेगा अगर रेस यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे ये दो साल के बाद ये मेला लगा है, हरिहर नाथ मेला, या फिर कह दें यहाँ पे सोनपुर मेला। तो हम कहेंगे कि दो साल बाद है, आइए घूमिए, बहुत ही ज़्यादा हम लोग भी आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और आगे हम आपको पंडाल वंडाल भी दिखाएं किस तरीके से पंडाल बन रहा है। तो दो साल बाद ये मेला लगा है, हम सारे लोगों से, श्रोतागण जो भी है उनको बोलेंगे आइए सोनपुर मेला और यहाँ सोनपुर मेला को एंजॉय करिए, क्योंकि दो साल बाद सोनपुर मेला आया है और आप सबके लिए बहुत सारे आशा उम्मीद लेकर के आया है। सो आइए सोनपुर मेला एंजॉय करिए, एंड इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव।